आइए अब देखते हैं ब्रशलेस अल्टरनेटर की मुख्य कंपोनेंट्स। यह है स्टेटर बॉडी और यह है रोटर असेंबली। स्टेटर बॉडी में एक मेन स्टेटर होता है और एक एक्साइटर स्टेटर होता है। रोटर असेंबली में एक मेन रोटर होता है और एक एक्साइटर रोटर होता है। इस रोटर असेंबली में एक ब्रिज रेक्टिफायर असेंबली लगा रहता है। एक्साइटर स्टेटर में रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म रहता है। जब रोटर घूमता है तो एक्साइटर स्टेटर में पहले से उपस्थित रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म की वजह से एक्साइटर रोटर में एसी करंट जनरेट होने लगता है। ये एसी करंट ब्रिज रेक्टिफायर द्वारा होकर डीसी में बदल जाता है और मेन रोटर कॉइल को दिया जाता है। मेन रोटर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और रोटर के घूमने की वजह से मेन स्टेटर में एसी करंट जनरेट होता है। ये एसी करंट अल्टरनेटर का आउटपुट है। आइए देखते हैं अल्टरनेटर के आउटपुट को कंट्रोल करने में एक्साइटर किस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम एक्साइटर के स्टेशनरी फील्ड कॉइल में करंट को कम ज्यादा करें तो इसका सीधा प्रभाव एक्साइटर रोटर द्वारा मेन रोटर पर पड़ता है और हम इसका परिणाम मेन स्टेटर के आउटपुट में देख सकते हैं। एक्साइटर करंट को कंट्रोल करने का महत्वपूर्ण काम ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर या एवीआर करता है। आइए अब एवीआर की वर्किंग को समझते हैं। उदाहरण के लिए अगर अल्टरनेटर का आउटपुट वोल्टेज लो है तो एवीआर इसे सेंस करता है और एक्साइटर का फील्ड कॉइल यानी कि एक्साइटर स्टेटर में जाने वाले एक्साइटेशन करंट को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से एक्साइटर रोटर का आउटपुट बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ आउटपुट डीसी में कन्वर्ट होकर मेन रोटर में जाता है। इससे मेन रोटर का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेन स्टेटर का आउटपुट भी बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से जब आउटपुट वोल्टेज हाई होगा तो एवीआर एक्साइटेशन करंट को लो कर देगा और अल्टरनेटर का आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल में आ जाएगा। इसी तरह से एक्साइटर फील्ड करंट में थोड़ा सा बदलाव करके हम अल्टरनेटर के आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं।